हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फैट गाय फूडी। आज हम आए हैं बांद्रा में बारबेक्यू नेशन। जिन लोगों को नहीं पता, बारबेक्यू नेशन जो है वो एक जगह है जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना है एंड देन यू कैन हैव अनलिमिटेड बुफे फूड। सो लेट्स गो इन एंड चेक इट आउट। So now let's get down to business। वो चीज़ जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, खाना। और अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टर्स हैं हमारे पास। स्टार्टर्स में भी आपको हर काइंड की वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ पे हमने नॉनवेज मेनली स्टार्टर्स मंगवाए हैं, जिसमें हमारे पास है यहाँ पे चिकन है, देयर इज प्रॉन्स, देयर इज फिश एंड ये है हमारे पास। एंड देन वी ऑल्सो हैव हियर, वी हैव मटन हियर, देयर इज चिकन विंग्स। और यहाँ पे वेज जो इनकी स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी है ये वेज आलू टिक्की। सबसे पहले काम करते हैं, इस वेज वाले से शुरू करते हैं। Damn, बहुत अच्छी है। इट्स अ फ्राइड वेज पैटी आई सपोज विद चीज सॉस एंड इट्स रियली रियली गुड। सेकेंडली लेट्स कम टू द चिकन विंग्स। आई हैव डिफरेंट प्लेस इन माई हार्ट, एक अलग सेगमेंट बनाया हुआ है मैंने सिर्फ चिकन विंग्स के लिए। परफेक्टली टेंडर, स्मोकी फ्लेवर है एंड जो तंदूरी मसाले हैं, टू गुड। नाउ लेट्स गो तो आर थर्ड स्टार्टर जो मैं आपको लास्ट दिखाने वाला हूँ। बाकी सब तो खाएंगे, आप खुद आके टेस्ट कर लीजिए। प्रॉन्स, इसमें मसाले थोड़े अच्छे हो सकते हैं, लेकिन द प्रॉन्स इज फ्रेश एंड इट्स रियली टेंडर। तो हम आए हैं जो यहाँ पे मेन कोर्स सेक्शन है, हम उसमें आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ राहुल जी ने, ये हमारा टेबल अटेंड कर रहे थे। ये हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटी और क्या क्या चीजें हैं वेज एंड नॉन वेज दोनों में। वेज सेक्शन है, वेज में आपका स्टीम राइस है सर, यहाँ पे ये वेज दम बिरयानी है सर, और ये पिंक का छोले है सर, और थोड़ा खट्टा मीठा रहेगा ये दाल मखनी है सर, ये मिक्स वेज है सर, और एक कढ़ाई पनीर। यहाँ पे चाइनीज में थोड़ा वेरायटी है, ये वेज मंचूरियन है और ये नूडल्स है, बांध करने। और अब हमारे साथ हैं यहाँ के हेड शेफ, शेफ कुरैशी। अब वो हमें बताएंगे कि नॉनवेज सेक्शन में हमारे पास क्या क्या है। हेलो, मेरा नाम है शेफ कुरैशी। हमने लखनऊ अंदाज में दम की बिरयानी बनाई है, चिकन दम बिरयानी। ये भुना गोश्त है, फ्रेश बना हुआ है, बिल्कुल भुना ही रहेगा। इसमें देखिए बिल्कुल पानी में नहीं डालते, सिर्फ भुना गोश्त है ये। उसके बाद ये कढ़ाई चिकन जो आपको देख रहे हैं, रोगन वगैरह देख रहे हैं, मास्टर ऑयल से बनता है स्पेशल तरीके से। और यहाँ पर है फिश अदरकी, जो बादशाह फिश हम इस्तेमाल करते हैं और उसको हमने बना के रखा है। और ये अंडा है ग्रेवी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले भुना गोश्त। भुना गोश्त जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम सेमी ग्रेवी है, तो खा के देखते हैं। एकदम एक लखनवी जायका जो है वो इसमें है, और ऊपर से हमारे घर में ऐसा ही भुना गोश्त बनता है तो घर की याद आ गई खा के, हालांकि मैं घर से ही आ रहा हूँ। अब यहाँ पर बिरयानी है, बिरयानी टेस्ट करते हैं। यहाँ आपको ये बिरयानी जो बनाई है, इसको कोलसे के ऊपर बनाई है, उसमें घी, दही और चिकन से बासमती राइस में बराबर बनाई है। आपको बड़ा पता है, कौन बताया आपको? शेफ नहीं पता, शेफ कुरैशी। तो भैया अब हम आते हैं डेजर्ट पे, एंड मैं जरा ऑफ शुगर हूँ, तो क्या कोई है जो आके मेरे लिए शुगर के डेजर्ट है वो ट्राई कर सके? कोई आना लेने तो दे, मेरे को खाना पड़ेगा। तो दिस इज कोई, सॉरी दिस इज माय फ्रेंड तरुणिश, और ये हमें खा के बताएगा कि डेजर्ट्स कैसे हैं। सो बारबेक्यू नेशन इज नॉट नोन एज मच एज फॉर इट्स डेजर्ट्स एज मच इट्स नोन फॉर इट्स स्टार्टर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई द डिफरेंट स्प्रेड दैट दे हैव। We have the chocolate brownie, the most famous of Barbeque Nation. It's got a very crispy coating to it. It's actually, the chocolatey goodness is very beautiful in this. We also have the cream chocolate cake, which I shall now try. It's a little dry, but the cream is super creamy and it's got a hint of coffee flavor to it. जो उन लोगों को समझ में नहीं आया, भैया बोले कि ब्रेड जो है वो थोड़ा सूखा है लेकिन क्रीम बहुत अच्छा है. थैंक यू फॉर द ट्रांसलेशन. ओके, अभी हम लोग के पास है चने दाल का हलवा. अरे भैया गलत बोले, चने दाल का नहीं, मूंग दाल का. ले लो मूंग दाल का हलवा. It's got a slight burnt aftertaste and a rich milky goodness to it, which brings out the sweetness in it. And finally, we have the most famous sevaya, which I love a lot. Rich, milky, and creamy. Perfect dessert to end the day. आप बताइए यहाँ का मीठा आपको कैसा लगा? खाने के बाद बता दो. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बारबेक्यू नेशन का एक्सपीरियंस. यहाँ का जो स्टाफ था वो काफी फ्रेंडली था, बहुत सपोर्टिव था. जो सर्विस थी वो मैं कहूँगा कि थोड़ी सी स्लो थी, थोड़ी बेटर हो सकती है. खाना ओवरऑल काफ़ी अच्छा था. इट वॉज अबव एवरेज. सम थिंग्स रियली गुड, स्पेशली द चिकन विंग्स, वो काफ़ी अच्छे थे. प्रॉन्स भी काफ़ी फ्रेश थे. मसाला थोड़ा अच्छा हो सकता है लेकिन काफ़ी फ्रेश थे. और डेजर्ट, जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा कि द ब्राउनी वॉज गुड एंड जो शीर सेवई थी वो सेवई भी काफ़ी अच्छी थी. ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. एंड जो प्राइसेस है वो आप इनके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. फॉर टुडे आई गेस दैट्स इट. सी यू नेक्स्ट टाइम. इट्स योर बॉय फैट गाय फूडी साइनिंग ऑफ.